फ्रिंज स्पेसिंग की बात करते हैं, तो फ्रिंज स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. सो स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग एंड फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ जो है वो हम फ्रिंज स्पेसिंग को फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हैं और फ्रिंज सेपरेशन भी कह सकते हैं. सो बेसिकली फ्रिंज विड्थ है क्या? अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास दो डार्क जो है वो यहाँ पर फ्रिंज बनी हुई है, इसी तरह से ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है. सो इसके सेंटर से लेकर यहाँ से आपको इंडिकेशन करके हम बताते हैं कि इसके सेंटर से लेकर यहाँ से लेकर और इसके सेंटर तक जो दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज है, इसके सेंटर तक का जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इसको हम जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्टूडेंट कहते हैं फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज स्पेसिंग. इतना डिस्टेंस जो है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है. इसी तरह से अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, सो यहाँ से इसके सेंटर से हम लेंगे, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज, इसी तरह से दूसरा जो ब्राइट फ्रिंज है इसके सेंटर से भी जो फासला होगा, इन दोनों का जो फासला होगा, दोनों जो है वो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से जो फासला है, इसको स्टूडेंट फ्रिंज विड्थ कहा जाता है. ये हमारे पास जो है वो फ्रिंज विड्थ है, इसको हम डेल्टा वाई से जो है वो डिनोट कराते हैं. ये हमारे पास डेल्टा वाई है. अब फ्रिंज विड्थ जो है स्टूडेंट्स जो है वो डार्क फ्रिंज के लिए भी हो सकता है और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी हो सकता है. सो ये डेफिनेशन देख ली, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. फॉर ब्राइट फ्रिंजेस की हम बात करेंगे. सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज का जो है वो हम फॉर्मूला बनाएंगे फ्रिंज स्पेसिंग का. तो फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन. वाई टू और माइनस वाई वन जो है स्टूडेंट, ये वाई क्या है, यहाँ पर वाई स्टूडेंट्स पोजिशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला है जो हमने आपको बता दिया. पोजिशन ऑफ फ्रिंज से ही स्टूडेंट्स फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला बनेगा. टू फ्रिंज जो है उसके फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, उसके फॉर्मूले को यूज करके जो है हम फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला बनाएंगे. तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट y2 हमने सेकंड फ्रिंज जो है वो उसकी पोजिशन ली है, इसी तरह से माइनस y1 हमने लिया है जो फर्स्ट फ्रिंज की जो है वो पोजिशन है. अब y2 हमारे पास किसके बराबर होगा, y2 हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर होगा, या फिर जो है आप जो है वो फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं, अगर आपके पास आप जीरो ऑर्डर ले रहे हैं तो फर्स्ट जो है वो पोजीशन को. सो यहाँ पर y2 हमारे पास जो है वो बराबर है 2 लैम्डा l डिवाइडेड बाय d. ये है हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर द सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है. इसी तरह से माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर y1 जो है हमारे पास है ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी होता है और सेकंड ऑर्डर में हमारे पास 2 आ जाता है. सो अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला बनेगा वो डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी. सो डेल्टा वाई जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा वेवलेंथ है, एंड जो है वो सेपरेशन ऑफ स्क्रीन एंड डबल स्लिट है, डी जो है हमारे पास ये सेपरेशन ऑफ स्लिट है. सो नाउ अगर आपने यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करना है, यानी कि वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, सो वेवलेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सेपरेट करके, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी. एंड नाउ देन यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव. सो इस फॉर्मूले से आप जो है वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बढ़ते हैं डार्क फ्रिंज की जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग के फार्मूले की तरफ. सो इसी तरह से हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होगा और डेल्टा वाई बराबर होगा वाई टू माइनस वाई वन. सो वाई टू यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए हम जो है वो डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन ऑफ फ्रिंज है डार्क फ्रिंज के लिए वो हम जो है वो लिखते हैं. तो हमारे पास बराबर है 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 डी जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया था फ्रिंज स्पेसिंग में. सो और वाई वन जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास डार्क फ्रिंज का पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फार्मूला था वो था लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2 एल. सो इसको भी यहाँ पर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमारे पास वही सेम फार्मूला आएगा फ्रिंज स्पेसिंग का जो हमारे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए आया है. सो यहाँ पर जो है हमारे पास फार्मूलाज
जो है वो सेम है, चाहे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज हो या फिर डार्क फ्रिंज हो, जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों फ्रिंज की जो जो है वो विड्थ होगी वो इक्वल होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट जो है वो ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क जो है वो फ्रिंज बन रहे होते हैं, बैंड बन रहे होते हैं, इस वजह से दोनों का फार्मूला सेम है। सो यहाँ से भी आप जो है वो वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो स्टूडेंट यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट